हेलो। हाँ जी राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ हिमाचली ब्लॉगर लता शर्मा। तो देखिए, मैं आज बताना चाहूँगी आपको कि हम गांव में हम गृहिणियों के क्या क्या काम काज होते हैं गर्मियों के दिनों में। तो देखिए, हम गए थे पशुओं को चराने जंगल में, और ये है रामबाण बोलते हैं हम इनको। और इनसे घास वगैरह बांधने के लिए रस्सियाँ भी बनाई जाती है, और इसकी सब्ज़ी भी बनती है। इनके गोबू जैसे निकलते हैं अंदर से, तो इनकी सब्ज़ी बनती है। और बाण जैसे कि रस्सी बनाई जाती है इनको बीच से चीर के। और ये देखिए, तो हम ले जा रहे हैं अपने पशुओं को घर में। और ऐसे होते हैं हमारे यहाँ पे हिमाचल में पहाड़। तो मेरा बेटा और मेरी बेटी भी गए थे मेरे साथ। और ये है अनारदाने के पेड़, और इनमें लगे हैं ये फूल। तो ऐसे फूल होते हैं अनारदाने के, और ऐसे होते हैं हमारे पहाड़ों में पत्थर। तो ये देखिए, और मेरी गाय चली गई है आगे, और मैं और मेरा बेटा रह गए थे थोड़ी सी पीछे, और बेटी ले जा रही थी इनको आगे गायों को। तो ये देखिए कितने पत्थर हैं हमारे पहाड़ों में, पत्थर ही पत्थर। और इसकी मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है फ़ोन की, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी थी तो इसलिए। और ये मैंने यहाँ से दिखाई दे रहा था पार खेत से पार्ले साइड को, तो वहाँ पे मैंने घास स्टोर किया है। और अब लग गई थी फिर से चरने, तो इनके पास पानी था बच्चों के पास, तो ये इसके ऊपर फेंक रहे थे कि इसको बहुत ही वो लगी है धूप। तो ये देखिए, और इसको धूप भी लगी थी और प्यास भी। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ इनको घर में ले करके गायों को। तो आते इनको प्यास लगी होती है बहुत, और ये पी रही है पानी। तो मेरे पास रस्सी थी और इसको मैंने अब फेंक दिया उल्ली साइड को, क्योंकि काटी है इधर उधर भागती है। तो हमारे पहाड़ों में बहुत खतरनाक जगहें होती है, तो ऐसी खतरनाक जगह से इसको बांध के मतलब लाना पड़ता है घर को। और बांध के मैं आधे रास्ते को मतलब जंगल को चरने के लिए ले जाती हूँ। तो अब मैं गायों को बांध लूँगी अंदर, क्योंकि इनके नहाने का टाइम नहीं है, ये जल्दी सूखती नहीं है। तो मैं इसको ही नहाऊंगी कट्टी को ही, और गाय को तो मक्खियाँ खाती है, तो इसलिए इनको बाहर बांधना पड़ना था धूप में सुखाने के लिए। तो 12-1 बजे का टाइम है, तो अभी मैं इनको बाहर नहीं बांध सकती, क्योंकि यहाँ पे मक्खियाँ खाती है इनको। और ये देखिए, इसको नहला रही हूँ मैं कट्टी को, क्योंकि हमारे नलके में पानी आया था, तो इसलिए। कट्टी भैंस का ऐसा होता है कि जल्दी सूख जाती है, अगर हम इनको अंदर भी बांध दें तो भी कोई नुकसान नहीं होता। और ये देखिए, मैंने पहले अपनी कट्टी को पानी से नहला लिया है, और अब मैं इसको लस्सी से नहला रही हूँ, क्योंकि इनका चमड़ा बहुत ही होता है, तो इसमें प्यास जैसी जम जाती है। तो इसको मैं लस्सी से नहलाती हूँ, और ये देखिए, तो इससे ऐसा होता है कि चमड़ा नरम भी हो जाता है और प्यास वगैरह भी ख़त्म हो जाता है। तो इसको लगी थी मक्खी, और ये
तो इसको मैंने पहले लस्सी से नहला लिया है और अब मैं इसको फिर से पानी से नहलाऊंगी। तो ये देखिए, और मेरे नाते में बिंदी भी नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा होता है कि पहले सुबह सुबह और काम निपटाना पड़ता है, जैसे पशुओं का हो गया या खेत वगैरह का, तो उसके बाद हम अपना वो करते हैं। तो मैं सुबह चली गई थी इनको 6-7 बजे लेकर, खाना वगैरह बना करके, और तो पशुओं को चरने ले गए थे क्योंकि धूप में तब इनको मक्खियाँ काटती है। तो ये देखिए, मैं चली गई थी, यहाँ पे अंदर तवा होता है जो चूल्हे का हमारे खाना रोटियाँ बनाने का, उसकी वो लाई मैंने, काली काली कालख बोलते हैं हम इसको, और थोड़ा सा लिया तेल, तेल की बोतल में इसकी अपनी गोयने मतलब काउ सेट में रखती हूँ इसके सींग चोपड़ने के लिए। तो थोड़ी सी मैंने वो ली तवे की कालिख, और थोड़ा सा लिया तेल, और इसके सींगों को मतलब रोज़ बनाना पड़ता है क्योंकि इनके सींग रोज़ इससे चोपड़ने पड़ते हैं। और तो ये देखिए, इसके मैंने सींग भी बना दिए और नहा भी दिया। तो अब मैं बांध रही हूँ इसको अंदर, तो ये देखिए अब मैंने इसको बांध लिया है अंदर, और यहाँ पे भी इसको मक्खियाँ काट रही है, और ये है मेरी बच्ची है और ये है गाय। तो इनको मैं लाया नहीं क्योंकि यहाँ बाहर मक्खी थी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे है तूड़ी के बोरे रखे हैं, और यहाँ ऊपर चांगड़ बोलते हैं हम अपनी भाषा में, तो यहाँ पे रखे मैंने उपले और घास। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा, और मैं थोड़ी थोड़ी घास दे दूँगी इनको क्योंकि चर के भी आई थी, तो थोड़ा थोड़ा ही दूँगी मैं अब इनको। तो ऐसे कौ सेड होते हैं गांव पहाड़ों में, और थोड़ी सी घास नीचे गिरी थी तो इसको मैं झाड़ू से इकट्ठा कर रही थी। और ये है पर्दा, तो ये मैंने तूड़ी का पर्दा लगाया है इनको क्योंकि यहाँ पे मक्खियाँ काटती है। और अब मेरा सारा काम निपटा के मैं अब कौ सेड का सारा काम ख़त्म हो गया मेरा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बच्चों के पास दिया था मैंने फ़ोन, तो इन्होंने उल्टी सीधी वीडियो बनाई है इसमें, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। और ये देखिए उल्टी आ रही है।